नमस्कार, मैं कार्तिक नायक हूँ और आपका स्वागत है खबरों की खबर में। खबरों की खबर में आज बात बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के मनी लॉन्ड्रिंग केस की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। ईडी ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जैकलिन को मामले में समन कर बुलाया गया था। अब बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में जैकलिन हाजिर हुई थी। ईडी के मुताबिक ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली के पैसों से जैकलिन को 5.71 करोड़ के गिफ्ट दिए थे। सुकेश ने जैकलिन के फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। परिवार को दिए गए तोहफों में कार, महंगे सामान के अलावा 1.32 करोड़ और 15 लाख के फंड्स भी शामिल हैं। मालूम हो कि जैकलिन काफी समय से ईडी के रडार में हैं। जब से जैकलिन और ठग सुकेश चंद्रशेखर के रिश्ते का खुलासा हुआ है, तब से जैकलिन का नाम विवादों में छाया हुआ है। ईडी ने जैकलिन की 7.27 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। इस अटैच संपत्ति में जैकलिन की 7.12 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। खबर तो ये भी है कि सुकेश ने जैकलिन को कई महंगे गिफ्ट भी दिए हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। सुकेश की ओर से जैकलिन को मिले बेशकीमती तोहफों में 9-9 लाख रुपए की बिल्लियां हैं, 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और डायमंड की ज्वेलरी के साथ साथ कई बेशकीमती गिफ्ट शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस के लिए तैयार की सवालों की लंबी लिस्ट। सभी सवाल ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस के रिश्ते और उनसे मिले गिफ्ट पर होंगे। साथ ही ईओडब्ल्यू ने पिंकी ईरानी को भी जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। उन्होंने सुकेश को जैकलिन फर्नांडिस से संपर्क करने में मदद की थी, वह दोनों को जानती थी। अब सूत्रों के अनुसार जैकलिन को सूचित किया गया है कि उनकी जांच कुछ दिनों के लिए बैक टू बैक हो सकती है, इसलिए दिल्ली में अपने ठहरने की वह योजना बनाए। ईडी ने अपने चार्जशीट में जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नामित किया है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि इस केस में और किन किन अभिनेत्रियों के नाम आते हैं और वो ईडी का सामना कैसे करती हैं। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर का नजर। नमस्कार।